हाँ बिल्कुल ठीक है माया। बॉबी और पग्गी ने कमाल का आइडिया लगाया। बॉबी और पग्गी जो पिछले इलेक्शंस में मिस्ड कॉल से वोट करना चाहते थे क्योंकि टीवी रियलिटी शोज में ऐसा ही होता है, उन्होंने कमाल का आइडिया सोचा है। माया वो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं वीडियो गेम्स बनाने की। सुपर्ब, दो कार्टून्स अब वीडियो गेम्स बनाएंगे। ये जबरदस्त आइडिया है माया। पता है उनका पहला वीडियो गेम किसके ऊपर होगा? कैप्टन चीता, वो टीवी शो पर। वीडियो गेम्स के बारे में वो क्या जानते हैं सुमित? अरे इसी चीज के बारे में तो वो जानते हैं, बस सारा दिन वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माया। इंडिया का हर बच्चा कैप्टन चीते के पीछे दौड़ने वाला है। आलिया बताओ कैसा आइडिया है? आई लव कैप्टन चीता। ये देखा आलिया, पापा ना हमारे सारे पैसे उड़ा देंगे तो फिर हमें पीपल के पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। कैसा लगा आइडिया? I love people का पेड़। ये देखा अच्छा मजाक छोड़ो, सीरियसली उन्होंने एक प्रॉपर कंपनी बनाई है और वो फंड जमा कर रहे हैं और मुझे भी मौका दे रहे हैं। कैसा मौका? उनकी नई कंपनी में पैसा लगाने का। सुमित प्लीज तुम इन सब स्कीमों से दूर ही रहो। माया आजकल टीवी पे, कंप्यूटर पे, फोन पे सब लोग बस वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं, सोचो कितना मुनाफा होगा। सुमित मैं जानता हूं कि तुम स्मार्ट हो, बस एक बार उनका बिजनेस प्लान समझ लो, फिर मुझे यकीन है तुम ना नहीं कर पाओगी। ठीक है तुम्हें इतना ही लगता है तो उनसे कह दो बिजनेस प्लान ईमेल कर दे। ऊंट पहाड़ तक क्यों जाए जब पहाड़ ऊंट तक आ सकता है। हाय बॉबी। ओ कैप्टन चीता। ये हिल जाते हैं पहाड़ सुन के मेरी दहाड़। % की इन्वेस्टमेंट पे अगर 11% हम इंटरेस्ट जोड़ लें, 8% GDP ग्रोथ के लिए बफर रखते हैं और 13% सर्विस टैक्स काटने के बावजूद 100% ग्रोथ फिर भी पक्का है। वो सब छोड़ना, तो कैप्टन चीता के गेम के बारे में बता। हाँ, हमारा ब्रह्मास्त्र कैप्टन चीता का शिकार, एक ऐसी गेम जिसमें हमारा हीरो कैप्टन चीता बुरे से बुरे विलन्स का सामना करेगा। भर लेगा सारे मक्कार जब कैप्टन चीता करेगा शिकार। आज इंडिया में कैप्टन चीता का बच्चा बच्चा फैन है, जैसे ही गेम लॉन्च होगी रातों रात लाखों डाउनलोड्स और करोड़ों की कमाई। तो मारो पंजा और दबोच लो मौका। कैप्टन चीता का शिकार। टटडांग। गजब गजब गजब, क्या बात है। काफी अमेजिंग था, वेल डन। थैंक यू। मुझे 2 मिनट दोगे सुमित से बात करने के लिए? श्योर ऑफ कोर्स। तो कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग। तो बात पक्की? सुमित ये बिजनेस प्लान बहुत रिस्की है। माया उन्होंने इतनी मेहनत की है जबरदस्त प्रेजेंटेशन को बनाने में, हम किस मुंह से मना करेंगे? हम नहीं, तुम। मैं आलिया को होमवर्क कराने जा रही हूँ। ओके बट कैप्टन चीता का श्राप तो लगना है मुझे। वो छोड़ के ना माया के। नहीं क्या? नहीं। अरे पर कह तो रही थी अमेजिंग, वेल डन। यार माया को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। ओए तुझसे शादी की है उसे, इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता उसे इम्प्रेस करना। यार बीवी तो है यार, हाँ जरूरी थोड़ी ना उसकी। आई एम सॉरी बॉबी,
पर इन सब मामलों में वो मेरी बॉस है। तो ऐसे बॉस की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देता तू? अरे बोल, वरना वो मुझे छोड़ देगी। छोड़ना पगी, सामान समेट, फ्लॉप शो हो गया। सुनना बॉबी, मुझे एडवांस 2 लाख रुपए का चेक दिया था ना, वो वापस कर दियो। ओ हेलो सर जी, वो पैसे तो खर्च हो गए। क्या 2 लाख रुपए उड़ा दिए एक हफ्ते में? अबे सूट सिलवाया, कॉस्ट्यूम सिलाई है पग्गी की, ये प्रेजेंटेशन का तामझाम है, पैसे तो खर्च होने ही है ना। हाँ, और 5-star होटल का बिल अलग। 5-star क्यों? अरे बड़ी सोच के लिए माहौल बनाना होता है। 2BHK में बैठ के नहीं बनते करोड़ों के बिजनेस प्लान। कमाल है, सब पैसे उड़ा दी, कुछ भी बचा नहीं। तभी तो आए थे कि और पैसे मिल जाएं। यार मैं माया को कैसे बताऊंगा कि मैंने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। तू एक काम कर, तू है ना शिमला निकल जा, फिर वहां से SMS कर दियो। छोड़ ना पग्गी, रजनीश से लेते हैं पैसे, सनकी है लेकिन किसी की गुलामी तो कबूल नहीं की है ना। हाय हाय, ये बेडशीट नहीं है, कितनी सुंदर है। और तुम कितनी सुंदर लग रही हो इस बेडशीट पे, बिल्कुल कटरीना, इनफैक्ट कटरीना की माँ। दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है? नहीं। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूला, कब का दे दिया। तो फिर नॉनवेज टाइप का मूड हो रहा है? नहीं नहीं, मैं मतलब से तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच कह रहा हूँ। माया तुम्हें याद है पिछले हफ्ते जब तुम आलिया को गुब्बारे दिला रही थी तो तुमने गलती से एक्स्ट्रा 10 रुपए दे दिए थे? उस बेचारे लड़के के पीछे तुम आधा किलोमीटर भागे थे वो नोट वापस लेने, याद है? हाँ, और फिर तुम्ही ने कहा था कि रख लेने दो, बच्चा है। और फिर मैंने किस तरह से अपना छीना हुआ नोट वापस कर दिया था। सच सुमित, तुम कितने दयालु हो। हाँ माया, दयालु तो मैं हूँ, और ठीक इसी तरह तुम्हारा फर्ज भी बनता है कि तुम मुझ पर थोड़ी सी दया करो और मेरा कचालू मत बनाओ। सुमित, तुमने क्या किया है? बस कुछ नहीं, बॉबी और पगी को 2 लाख रुपए दे दिए। क्या? माया प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। 2 लाख? याद है वो गुब्बारे वाला बच्चा कितना खुश था? मैंने उसे 10 रुपए दिए थे सुमित। पर उसके लिए तो 2 लाख के बराबर थे ना। ये तुमने कैसे कर दिया सुमित? मेरे मना करने के बाद भी तुमने पग्गी और बॉबी को पैसे कैसे दे दिए? एक्चुअली तुम्हारे मना करने से पहले ही दे दिए। क्या? माया बेडशीट पे बैठ जाओ ना, कितनी सुंदर लग रही थी। माया माया चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके सारे पैसे वापस ले आऊंगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है सुमित। तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं है। परवाह है, इसीलिए तो उन लोगों को घर पे लेके आया था। चेक फाड़ने के बाद? ओह माय गॉड सुमित, तुम कितने बड़े घोचू हो। माया आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बात का बतंगड़ मत बनाओ। और चलो ना, गलती की भी है तो अपने कमाए हुए पैसों से की है, तुम्हारे पैसों से थोड़ी ना। क्या कहा? गलती की है उसके बाद गलती अपने से की है, तुम्हारे से नहीं। माया तुम क्या कर रही हो? माया, अरे तुम लिविंग रूम में सो रही हो? मैं नहीं, तुम। उठो, सुबह हो गई। नींद पूरी नहीं हुई और पूरी रात सोफे सो के कमर कस गई। लो, अब टूट भी जाएगी। ये क्या है? पढ़ लो। लॉन्ड्री 4,000 रुपए पर मंथ, घर की सफाई 10,000 रुपए पर, ये किसका बिल है? पढ़ते रहो। बच्चों की देखभाल 25,000 रुपए पर मंथ,
खुश रहो, डिस्काउंट दिया है, दोनों के अलग अलग नहीं लगाए। क्या जमाना आ गया है, पत्नी पति को बिल दे रही है। अगर पति को लगता है कि सारे पैसे उसके हैं तो बिल तो देना ही पड़ेगा ना, ताकि वो पत्नी की वैल्यू समझ सके। पर्सनल बावर्ची 15,000 रुपए पर मंथ। तुम्हारा खाना खाने के लिए तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। बोलो, देख मेरा कैप्टन चीता का नया मुखौटा। सुनो, तूने बॉबी और पगी के कंपनी पैसे डाल दिए? हाँ, वो तो डालना ही था ना, कैप्टन चीता जो है। देखा माया, मैंने कहा था ना, इंडिया का हर बच्चा कैप्टन चीता के पीछे दौड़ेगा। हाँ, पर तेरा मुखौटा कहाँ है? मुखौटा नहीं, टोपी पहनाई है बॉबी ने इसे, पूरे 2 लाख की। अरे कैसी टोपी, देखो ना माया, सोनू ने भी पैसे डाल दिए। वो उनकी मर्जी, उनकी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उनकी। पहली बार पता चला शादी ना करने का भी फायदा होता है। भाई शादी मत करियो, देख मेरी पत्नी ने मुझे बिल दिया है। बच्चों की देखभाल 25,000 रुपए, हेलो, ज्यादा लगाने चाहिए थे। और टोटल इतना कम, माया तुम्हारी वैल्यू उससे कई ज्यादा है। टोटल कैसा टोटल? 2,35,000 महीने के। इतना तो मैं भी नहीं कमाता। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। माया, माया तुम्हारा वॉशिंग मशीन यूज कर लूँ? हमारे मशीन का ना तेरे पापा जी के हाथ तक कत्ल हो गया। मम्मी जी, पापा जी, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आप लोग 1-2 साल के बाद आए। भाई तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर का तो काम है भाई, तेरी वॉशिंग मशीन का वॉशर निकाल के अपनी वॉशिंग मशीन में डालना है, और फिर तेरे मशीन का देहांत हो जाना है। तेरी बड़बड़ का देहांत कब होगा? जा वॉशर निकालो, जा। हाँ तो जा रहे हो ना, जा। मेरा ऑर्डर क्या दे रही है? जा। बात कर रही है। मम्मी जी जरा ये देखिए। क्या है ये? मम्मी जी मैं बताती हूँ, आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है ना, आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? माया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया। अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी घर की सफाई और डस्टिंग के 10,000 रुपए? हाँ। इसके आधे तो मुझे मिलने चाहिए ना। लो चोर की दाढ़ी में तिनका। तू चुप कर, माया ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अरे हम औरतें जो काम करती हैं उसका हक हमें मिलना चाहिए। और आप तो ये काम पिछले 40 सालों से करती आ रही है, आज तक आपको इसके बदले में क्या मिला है? 2 प्यारे प्यारे बच्चे। माया मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। मम्मी जी आप भी? पेंदे पेंदे। चालीस साल दही कचौरी बनाने के 4,000 महीना। मम्मी जी इमली की चटनी का अलग से। अरे हाँ, यह तो महिला मुक्ति आंदोलन टाइप कुछ चल रहा है। बेचारे पापा जी, अगर मम्मी जी ने उन्हें 40 साल का बिल थमा दिया तो उनका तो दिवाला निकल जाना है। अच्छा है ना, आज पापा जी को अपनी वाइफ की वैल्यू समझ आएगी। माया 40 साल में भटूरे कितने खाए होंगे? 3-4 हज़ार आराम से। मोनू तो यार ये वॉशर निकालने के चक्कर में पूरा ड्रम ही बाहर आ गया। अब इसे वापस फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो साला फिट ही नहीं हो रहा। पापा जी आपने मेरी वॉशिंग मशीन बर्बाद कर दी। वॉशिंग मशीन छोड़, अभी तो पापा जी खुद बर्बाद होने वाले। कौन बर्बाद करेगा बे? मैं। क्यों भाई? 40 साल तुम्हारी नौकरी की ना, उसका ये बिल है। माया जरा टोटल करके बता। जी तो 3,10,000 महीने के, मतलब 37,20,000 साल के, तो टोटल हुआ है 14,88,00,000
40 साल के विदाउट सर्विस टैक्स। तो निकालो बटुआ और दो मुझे 14,88,00,000। इतने छुट्टे पैसे तो मैं हमेशा अपनी बैक साइड में लेके चलता हूँ। 40 साल में 3,000 भटूरे? अबे इतने भटूरे तो मैं एक महीने में खा जाता हूँ। ये ले अपना हिसाब, एक ढेला नहीं मिलेगा तुझे मुझसे। चल अटवी। क्यों, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? सारा हिसाब मैं देखती हूँ घर का। तो क्या हुआ, पर घर किसकी कमाई से चलता है? मेरी। तो हुकुम किसका चलेगा? मेरा। मेरे पैसे, मैं जो करूं मेरी मर्जी। सही कहा पापा जी, मैं भी। क्या ढींगे मत मारो, पैसे तुम्हारे हैं लेकिन मैं कहां कहां खर्चा करती हूँ तुम्हें पता भी है? क्या मतलब? तुम्हारे नाम से हर महीने मैं 5,000 रुपए अनाथालय को देती हूँ, पता था तुम्हें? डॉली पागल हो गई है तू, मैं अपने बच्चों को पैसे नहीं देता, अनाथों को क्यों दूं? सोनू देख रहे हैं, दिन दहाड़े तेरी माँ कैसे लूट रही है मुझे। अरेस्ट कर। पापा जी मुझे अपनी गर्दन प्यारी है। और बता कहाँ कहाँ डाका डाला है तूने? जाओ ना खुद जाके देख लो, सारा हिसाब पड़ा हुआ है नीचे, जा सारे कागज दिखा दे इन्हें। सोनू ये चीटिंग का केस मुझे आज ही क्रैक करना है। चल डॉली मैं फिजिकल ऑफेंस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं। मम्मी जी दिन भर कागज चाटेंगे ना फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा हिसाब। पैसों की जरा भी अकल नहीं इन्हें। मतलब मम्मी जी सारे पैसे आप संभालती हैं? और नहीं तो क्या, अरे इतने सालों में इतनी फालतू स्कीमों में पैसे बर्बाद किए ना, मैं तंग आ चुकी हूँ। पता है मोनू अब मैं क्या करती हूँ, इन्हें राजमा खिलाती हूँ, जैसे नींद आनी शुरू हो जाती है ना जहां चाहे साइन करवा लेती हूँ। मान गए मम्मी जी, मुझे आपसे सीखना चाहिए। इन्होंने पासबुक कभी देखी भी नहीं, तुम्हें 3,00,000 उधार दिए थे ना उन्हें पता भी नहीं है आज तक। एक मिनट उधारी? मेरा सैंडविच उबल रहा है। माया तुम्हारा सैंडविच उबल रहा था ना, और उधार ये क्या है? मम्मी जी आप पापा जी के बारे में कुछ बता रही थी ना। अरे हाँ पता है, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम्हारी शादी के कुछ महीने बाद तुमने मुझसे 3,00,000 रुपए उधार लिए थे। बोलो। माया ये क्या था? ठीक है सुमित, तब हमें जरूरत थी ना, और तुम्हारी तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी, तो तुमने मम्मी जी से उधार लिया और मुझे बताया नहीं। मम्मी जी आपको कपड़े धोने थे ना। मैं भूल ही गई तुम्हारी मशीन खराब है। वैसे बात निकली है तो मतलब जब मर्जी दे देना, जरा जल्दी पैसे देती तो। महीने के अंत तक दे दूंगी। अरे कभी भी दे देना, मैं कहाँ मांग रही हूँ। वैसे ज्यादा सवाल पूछने लगे ना तो फ्रिज में मैंने राजमा रखा है। तो तुमने मम्मी जी से उधार लिया, और क्या क्या घोटाले किए हैं तुमने मेरे साथ? सुमित प्लीज इतना बिगड़ो मत, तुमने कैप्टन चीता का कांड किया, मैंने मम्मी जी से उधार लिया, हिसाब बराबर। नहीं मुझे हर चीज का हिसाब चाहिए। सुमित प्लीज रहने दो ना। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं, मुझे घर के हर हिसाब की डिटेल रिपोर्ट चाहिए। ओके जानू। और हाँ, और प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं लोगी। आई प्रॉमिस। मुझे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? जानू तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम ना शांति से बैठो, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ, मैंने कहाँ कैसे क्या कितना खर्चा किया। ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, राजमा गरम कर देती हूँ। राजमा? वाओ जल्दी जल्दी करो।
एक मिनट हाँ। अबे डॉली ये क्या हो रहा है, ये कौन सा पेमेंट किया है तूने? internetrummy.com है पत्ते खेलती है जुआरी अमृतसरी राजमा bam 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 bam